तो स्टार्ट करती हूँ। मैंने रामायण नहीं पढ़ी फिर भी राम पे विश्वास रखती हूँ। हाँ हाँ मैंने प्यार नहीं किया फिर भी प्यार पे लिखती हूँ। मेरा नाम अंजलि मासा है। अभी मैं क्या बताऊँ, मतलब जैसे कैसे होता है ना, किसी की अच्छी खूबियों से हम प्यार कर सकते हो, प्यार करते हैं, ये वो खाक प्यार होता है। पर अगर हम किसी की बुराई के साथ भी प्यार करें, बुराई बुरी आदतों के साथ भी प्यार करें, तो वो कमाल होता है। तो उस पर ही मेरी पोएम है। पोएम का टाइटल है, तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरे जितना चाहेगी। तुम्हारे गुस्सा होके डांटने के बाद भी बताओ कौन तुम्हें गले लगाएगी, तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरी जितना चाहेगी। तुम एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो फिर भी तुम्हें 100-100 मैसेज करके तुम घर पहुंचे या नहीं ये पूछ पाएगी, अबे छोड़ो तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरी जितना चाहेगी। धन्यवाद। तुम गलत हो ये पता होते हुए भी तुम्हारी खुशी के खातिर खुद ही खुद को गलत बोल जाएगी, अरे तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरे जितना चाहेगी। तुम्हारी अकड़ और ईगो के सामने खुद ही खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाएगी, अरे तुम जाओ ढूंढ लो कहीं भी, तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरे जितना चाहेगी। ध्यान से सुनना, तुम्हारे फ्रेंड में उसे आम बताते हो फिर भी वो अपने फ्रेंड में तुम्हें खास बताएगी, तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरी जितना चाहेगी। तुमसे गालियां खाके भी और तुमसे बेइज्जत होके भी, सुनो, तुमसे गालियां खाके भी और तुमसे बेइज्जत होके भी फिर 10 मिनट के बाद तुमसे नाराज न होते हुए तुमसे प्यार से बात कर पाएगी, तुम सुन रहे हो ना, तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरी जितना चाहेगी। तुम शायद उसको इंसान तक नहीं मानते हो फिर भी वो तुम्हें अपना भगवान बताएगी, तुम्हें ऐसी कोई मिल ही नहीं सकती जो तुम्हें मेरी जितना चाहेगी। थैंक यू सो मच जी टॉक्स मैम, मैंने आपको देखकर यहाँ पे आई हूँ, मतलब मैं पंढरपुर से आई हूँ बहुत दूर से, मतलब दो दिन गए मुझे आने में यहाँ पे। और आप जितनी वीडियो में खूबसूरत दिखते हो उतने ही आप रियलिटी में भी दिखते हो। और सर मैंने आपकी भी पोएम्स देखी है, हाँ आप भी बहुत हैंडसम हो सर। मतलब कौन सी पाउडर लगा के आए हो सर? ओके थैंक यू सो मच।